Hello everyone. So today we are going to start our new chapter, that is introduction to three-dimensional geometry. Okay, so let's start. देखो जो पहले मैं आपको chapters करवा रहा हूँ वो ऐसे chapters करवा रहा हूँ जो 10th class से relate करते हैं, ठीक है, या फिर जो आपको समझ में easily आ सकते हैं online में, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा hard chapter अगर अपन online में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है. तो जो हार्ड वाले चैप्टर हैं जैसे अपना ट्रिग्नोमेट्री हुआ, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं वो मैं ऑफलाइन कराऊंगा, ठीक है. और जो ये चैप्टर्स हैं जो अपने टेंथ से रिलेट करते हैं और थोड़ा सा अच्छे हैं कुछ कुल मिला के, उन चैप्टर्स को मैं अभी ऑनलाइन करवाने जा रहा हूँ. तो ट्वेल्थ वाला चैप्टर करते हैं आज स्टार्ट, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, ठीक है. चलो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक लाइन की, ठीक है, तो लाइन होती है वन डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि इसमें वन ही डायरेक्शन होती है, मतलब या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, ये तो है अपनी लाइन. अगर मैं बात करूं प्लेन की, ये देखो ये क्या है, प्लेन. प्लेन में टू डायमेंशन होते हैं, अपन ने खूब पढ़ा है एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है. तो इसमें क्या अपन ऊपर भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं, ठीक है. तो 2D बोलते हैं इसको, प्लेन को क्या बोलते हैं, 2D, ठीक है, टू डायमेंशनल, ठीक है. अच्छा, जब अपन बात करते हैं स्पेस की, मान लो मैं यहाँ पे ये चौक लटका दिया, ठीक है, यहाँ पे तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट है अपना, यहाँ पे अपने को पता चला x का 2 है और यहाँ y का 3 है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो 2, 3 कोऑर्डिनेट का, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, 2, 3. तो इस पॉइंट की लोकेशन अपन दो एक्सिस के थ्रू डिनोट करते हैं, एक तो x एक्सिस और एक y एक्सिस. जब अपन बात कर स्पेस की करेंगे, स्पेस का मतलब जैसे ये बाहर मैंने ये चौक पकड़ लिया, अब इस चौक की पोजीशन तुमको एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, तुमको चौक की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो तुमको तीन कोऑर्डिनेट चाहिएंगे, एक तो x, एक y और एक z एक्सिस, थ्री एक्सिस चाहिएंगे. यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि ये 3D में पहुँच चुका है. स्पेस का मतलब क्या है, 3D, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, मतलब उसमें अपन ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, आगे और पीछे भी मूव कर सकते हैं, तो वो क्या है अपना 3D है, थर्ड डायमेंशनल जियोमेट्री. 3D का यूज़ बहुत जगह होता है, जैसे कोई प्लेन एरोप्लेन है वो उड़ रहा है तो एरोप्लेन की पोजीशन कैसे बताते हैं, 3D का यूज़ करके बताते हैं, 2D से थोड़ी बताते हैं, ठीक है. 3D का यूज़ करके उसके थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स वाला, एक वाई वाला और एक जेड वाला. एक्स वाला कोऑर्डिनेट बताता है कि फिक्स लाइन से कितनी दूर है, है ना, वाई वाला भी ऐसे ही है और जेड वाला मतलब हाइट कितनी है, ये तीन चीज़ें, ठीक है. तो 3D, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में एक्चुअल में थ्री एक्सिस होते हैं, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस, एक को बोलते हैं वाई एक्सिस और एक को बोलते हैं जेड एक्सिस. जैसे ये अपना रूम ही है, रूम में मैंने ये चौक रहा, ठीक है, तो मैं देखूंगा उस वॉल से ये डिस्टेंस कितनी है, इसको वो मान लो मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, इस वॉल से डिस्टेंस कितनी है, ये बोल देता हूँ वाई एक्सिस, और हाइट कितनी है वो होगा अपना जेड एक्सिस. तो थ्री एक्सिस होते हैं, थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं जब अपन थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री की बात करते हैं. 3D में मूवी भी देखी होगी आपने, तो 3D में मूवी देखते हैं तो क्या होता है, मूवी देखते हैं जैसे वैसे नॉर्मल, मान लो तुम्हारी लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर मूवी देख रहे हैं, तो जो तुम्हारे वो हैं, मान लो जो भी करेक्टर हैं वो मान लो ऐसे चलता आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी लगता है अपने क्योंकि अपने पास आ रहा है. लेकिन 3D में क्या होता है, 3D में इधर चलता हुआ भी दिखता है, इधर चलता हुआ भी दिखता है, आगे चलता है तो अपने को ऐसा लगता है तो कि वो अपने पास ही आ रहा है. जैसे मान लो कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है और 3D गोगल्स लगा के कोई आदमी देख रहा है 3D स्क्रीन पे, ठीक है, तो वो देख रहा है, तो फुटबॉल को कोई अगर सामने से किक मारेगा तो वो ऐसा लगेगा फुटबॉल ऐसे सीधे सामने मुंह पे ही आएगी, तो जैसे ही वो फुटबॉल पे किक मारता है तो एकदम से आदमी ऐसे हट जाता है अगर वो देख रहा होता है तो, ठीक है. तो 3D आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि 3D में होता क्या है, ठीक है. अच्छा, तो सुनो ध्यान से, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ठीक है. अब जैसे अपन 2D की बात करें तो 2D मतलब प्लेन में, ये प्लेन है, प्लेन में टू एक्सिस बनाने से फोर क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या बनते हैं, फोर क्वाड्रेंट, ठीक है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट.
तो स्पेस में अगर थ्री एक्सिस बनाते हैं अपने तो एट ऑक्टेंट बनते हैं। ऑक्टेंट क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब फोर होता है, ऑक्टेंट का मतलब एट होता है, इसलिए उनको ऑक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे थोड़ा सा इमेजिनेशन में चाहें तो देखें ध्यान से, अगर मैं इसको ओरिजिन बोलता हूँ, इस पॉइंट को, तो यहाँ पे एक प्लेन हो सकता है, ये रहा, इसके साइड में एक बॉक्स रख सकते हैं, वो एक प्लेन हो सकता है, प्लेन नहीं सॉरी स्पेस है ना। अच्छा इसके साइड में एक बॉक्स और इसके साइड में एक बॉक्स, मतलब फोर बॉक्स ऊपर आ सकते हैं, यहाँ 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 फोर बॉक्स नीचे, फोर बॉक्स ऊपर आ सकते हैं और सेम फोर बॉक्स नीचे आ सकते हैं, वन टू थ्री फोर, इनको बोलते हैं अपन ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं इनको, ऑक्टेंट। कितने पार्ट हो गए टोटल, एट पार्ट, स्पेस के कितने पार्ट हो गए, एट, ये एक्स एक्स, ये वाई जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ऐसे करके कितने पार्ट हो जाएंगे, एट पार्ट हो जाएंगे तीन एक्सिस से, एक इधर बन सकता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और फोर नीचे। ठीक है चलो, तो हम बात करते हैं, तो एट ऑक्टेंट होते हैं, उनमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। जैसे अगर मैं मान लूँ फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करूँ, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में मान लो ये वाला एक्स एक्सिस वैसे एक्चुअल में ऐसे होगा खड़ा, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस ऐसे, मतलब कॉर्नर देखा होगा ना रूम का, ऐसा ही तो होता है, एक ऐसे लाइन जाती है, एक ऐसे लाइन और एक ऐसी सीधी, तो तीन एक्सिस पता चल गया ना, जो एक्स एक्सिस है वो अपन बनाते ऐसे हैं लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होता है। ठीक है, तो मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है तो अपन देखेंगे वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, ठीक है, वाई एक्सिस से कितनी दूर है, और मतलब इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, और ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, और इससे ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो जेड कोऑर्डिनेट कितना है, तो तीन कोऑर्डिनेट मिलते हैं अपने को, जैसे टू थ्री फोर, एक्स वाई जेड, तो ये है अपना कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन 3D, ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब बात करते हैं, जैसे अपने को इसमें तो बिल्कुल पता है सीधा सीधा, x का भी प्लस y का प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x का माइनस y का प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों अगर माइनस के कोऑर्डिनेट हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, और x का प्लस है y का माइनस में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऐसे इसमें कैसे होता है। ठीक है चलो देखते हैं, तो फिर तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्टेंट, ऑक्टेंट में लिखता हूँ मैं फर्स्ट, चलो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और ये एट्थ, ये टोटल एट ऑक्टेंट है, कितने ऑक्टेंट है, एट ऑक्टेंट है, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट होगा, y का होगा, z का, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, अगर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होता है x 0 0, y और z क्या होता है 0 0, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x और z 0 0 होता है, और अगर z एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x और y 0 0 होता है, ये तो है एक्सिस के ऊपर पॉइंट। अगर कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है, अगर ये वाला इस प्लेन के ऊपर ही है वाई जेड प्लेन पे तो ये एक्स वाला क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एक्स जेड प्लेन में वाई वाला जीरो होगा और ये एक्स वाई प्लेन में जेड वाला जीरो होगा, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं अपन ऑक्टेंट की, तो मैं पहले देखता हूँ फर्स्ट, जैसे अपन क्वाड्रेंट में देखते हैं तो इसमें दोनों प्लस के, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये होता है अपना प्लस माइनस, ये होते हैं अपने फोर क्वाड्रेंट। उसी के हिसाब से लिख देते हैं, तो फर्स्ट में लिखा अपन ने प्लस प्लस, सेकंड में लिखा माइनस प्लस, थर्ड में लिखा माइनस माइनस, फोर्थ में लिखा प्लस माइनस, ठीक है, सेम एज इट इज रिपीट कर दो, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। तो एक्स वाई का तो ये सीन है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट का, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव थर्ड एक्स थर्ड ऑक्टेंट में भी होते हैं और सॉरी कौन सा सेवन्थ वाले में भी होते हैं, दोनों में ही होते हैं, लेकिन ये जेड पे डिपेंड करेगा कि वो थर्ड में होगा या सेवन्थ में होगा, ठीक है। तो जेड वाला प्लस होता है फर्स्ट के फोर ऑक्टेंट में,
और लास्ट के फोर ऑक्टेंट में जेड वाला माइनस होता है। तो ये दो केस बन चुके हैं अपने, ठीक है। अब इजीली अपन इन क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अपन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि एक पॉइंट है -2, -3, -5, ये कौन से ऑक्टेंट में होगा, तो अपन सीधा देखेंगे तीनों माइनस सेवन्थ ऑक्टेंट में, कौन से ऑक्टेंट में, सेवन्थ वाले में। अगर मैं बोलता हूँ -2, +3, -5, तो ये किस में होगा, -2, +3, -5, ये होगा सिक्स्थ ऑक्टेंट में, ठीक है। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये मैं लिखना नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करेंगे इनको, ठीक है। तो 12.1 का क्वेश्चन नंबर वन जो है वो अपना है, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, वोट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो अपन ने देखा वाई का और जेड का कोऑर्डिनेट होता है जीरो, तो लिख देंगे इफ़ ए पॉइंट एग्जिस्ट ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आर जीरो, दोनों क्या होंगे, जीरो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ए पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उसमें वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, अपने को पता है। तो इसने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो अपन बोल सकते हैं कि वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। फिर थर्ड वाला है अपना, थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आराम से समझाता हूँ। ऊपर का मैं रब कर देता हूँ ये वाला, ठीक है, और क्वेश्चन लिख देता हूँ थर्ड वाला, तो ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 1, 2, 3, फिर है 4, -2, 3, फिर है अपना 4, -2, -5, फिर अपना 4, 2, -5, -4, 2, -5, -4, 2, 5, ठीक है, -3, -1, 6, 2, -4, -7, ओके। तो इन सब के अपने को क्या बताने हैं कि ये कौन कौन से ऑक्टेंट में एग्जिस्ट करते हैं, बस अपने को इतना सा बताना है। चलो तो देखते हैं, फर्स्ट वाला है 1, 2, 3, मतलब एक्स का, वाई का और जेड का तीनों के कोऑर्डिनेट प्लस के, तो अपने को पता है फर्स्ट ऑक्टेंट, लिख देना आंसर फर्स्ट ऑक्टेंट। नेक्स्ट वाला है एक्स का प्लस है, वाई का ओनली माइनस है, वाई का ओनली माइनस है, तो ये दिख रहा है अपने को फोर्थ ऑक्टेंट, एक्स का प्लस, वाई का माइनस, जेड का भी प्लस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एक्स का प्लस है बाकी दोनों माइनस हैं, तो ये रहा अपना ये वाला, कौन सा ऑक्टेंट, एट्थ वाला, कौन सा ऑक्टेंट है अपना, एक बार देख लो, हाँ एट्थ वाला ऑक्टेंट, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आगे 4, 2, -5, मतलब x और y प्लस है, z का माइनस है, x और y प्लस है, z का माइनस है, मतलब फिफ्थ ऑक्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ओनली y का प्लस है, तो ये अपने को पता चल रहा है सिक्स्थ ऑक्टेंट। फिर अपन देखते हैं ओनली x का माइनस है, x का माइनस है, ओनली x का माइनस है, तो ये रहा सेकेंड ऑक्टेंट। z का प्लस है बाकी दोनों माइनस हैं, तो अपना थर्ड ऑक्टेंट है ना, और ये ओनली x का क्या है, प्लस है बाकी दोनों माइनस हैं, x का प्लस बाकी दोनों माइनस, मतलब एट्थ ऑक्टेंट, ठीक है। तो ऐसे करके अपन बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में एग्जिस्ट करेगा, कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, ठीक है। और बस बाकी तो क्वेश्चन नंबर फोर है फिर अपना, फिल इन द ब्लैंक्स, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नॉन एज, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ लेते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ लेते हैं तो एक्स वाई प्लेन बनेगा। तो इसका जो अपना ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट में आएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट होते हैं तो वो किस फॉर्म के होते हैं, अपने को पता है एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, वाई का कोऑर्डिनेट भी होता है, जेड का जीरो होता है,
तो इस फॉर्म के होते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर कोऑर्डिनेट। तो ये सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक में लिख लेना, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट। कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करता है, तो वो अपना आएगा 8। तो ये अपना फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट वाले में ये आएगा, सेकंड वाले में ये आएगा, थर्ड वाले में ये आएगा, ठीक है। तो 12.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जो थोड़ा सोचने का काम है, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि 8 ऑक्टेंट कैसे कैसे बनेंगे, वो वैसे प्रैक्टिकली है ना। तो यहाँ पे वीडियो में इतना वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बाकी अगर लाइव ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।